हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए आज थोड़ा लीवर के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी के आप यूं कह सकते हैं कि बड़े ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है, बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसका। एक्चुअली ये हमारी बॉडी में सिक्योरिटी सिस्टम का काम करता है। जो भी हम खाते हैं वो लीवर के थ्रू फिल्टर होकर ही हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम जो है वो लीवर करता है। टॉक्सिन्स को रिमूव करते करते ये खुद भी कई बार टॉक्सिक हो जाता है। वैसे तो ये सेल्फ क्लीनर है, अपने आप की सफाई भी ये खुद करता है, लेकिन फिर भी इसके अराउंड जब फैट जमा होना शुरू हो जाता है तब हम उसे कहते हैं फैटी लीवर। और जब लीवर फैटी हो जाता है तो वो अपना काम एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाता और हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाती है। और साइन क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर जो है वो फैटी हो गया है? तो कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपका जो डाइजेशन है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खाना ठीक से हजम नहीं हो पाएगा, हमेशा आपको ब्लोटिंग फील होगी, बहुत भारी भारी सा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होती है लोगों को जिनका लीवर फैटी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को अलग से एक चीज फेस करनी पड़ती है कि जो भी वो खाते हैं इमीडिएटली उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज है, आप जितनी मर्जी हेल्दी डाइट ले लीजिए, जितना मर्जी आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में आप लो एनर्जी ही फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत वीक हो गए हैं या एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं। फेस स्किन आपकी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे पिंपल्स आप अपने फेस पे देखेंगे, स्किन पे आपको थोड़ी इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे भी सिम्टम जो है वो फैटी लीवर की वजह से ही होते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी फूड आइटम्स शेयर करूंगी जिनको डेली बेसिस पे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। आपका लीवर फैटी है या नहीं है, अगर होने के चांसेस आपको लग रहे हैं तो भी, अगर आपने रिसेंटली कुछ टेस्ट करवाए हैं जिसमें ये डायग्नोज हो गया है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है, तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो घर की डाइट होती है उसके थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, प्लस कुछ सप्लीमेंट्स की आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, बातें साथ साथ करते रहेंगे, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से हमारा लीवर काफी लाइट फील करेगा और डिटॉक्स हो जाएगा और लीवर में जमा हुआ जो फैट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपनी डाइट में ऐड करना पालक। पालक बहुत लो इन कैलोरी होता है, एक कटोरी में आपको 25 कैलोरीज मिलेंगी। तो सिंपल सा छौंक, जीरे और गार्लिक का लगा के पालक खाना शुरू कीजिए। मतलब ना सिर्फ पालक बल्कि साग है, बथुआ है या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो हाई इन क्लोरोफिल होती हैं और आपकी ब्लड स्ट्रीम में से टॉक्सिन्स को सोक कर लेती हैं। पैक्ड होती हैं ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के साथ। लीफी वेजिटेबल के साथ साथ आप करेला अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो बहुत ही फास्ट आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं। तो एक तो चीज़ ये मस्ट हो गई कि आपको अपनी डाइट में ये ऐड करनी ही है। अच्छा, डाइट के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मिल्क थिसल एक ऐसी चीज़ है जो फैटी लीवर में बहुत फास्ट रिकवरी देती है। मतलब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपका लीवर जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है। मिल्क थिसल एक्चुअल में एक प्लांट है, जो प्लांट बहुत इजीली आपको अवेलेबल नहीं होता है। कई सप्लीमेंट्स में मिल्क थिसल जरूर होता है, तो अगर आपको कोई ऐसा सप्लीमेंट मिले तो आपको जरूर अपनी डाइट में वो भी ऐड कर लेना चाहिए। 18 की एज के बाद किसी को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा आज का लाइफस्टाइल या जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सॉल्ट और शुगर का इनटेक कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है और खैर अल्कोहल तो एक रीजन है ही। तो लीवर को क्लींस करने के लिए डाइट तो एक मेजर रोल प्ले करती ही है, साथ ही कुछ अच्छे सप्लीमेंट की हेल्प भी हम ले सकते हैं फास्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कि फाइटिका का फिट लीवर। ये टैबलेट्स जो हैं वो लीवर को क्लींस करती हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को टीनेज में आके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए एक रीजन आपके हार्मोन चेंजेस तो है ही, लेकिन लीवर अगर आपका क्लींस हो जाए तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी बिल्कुल क्लियर दिखने लगती है, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि मम्मा को फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी, तो डाइट के साथ साथ फाइटिका फिट लीवर ने उनके लीवर को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प किया है। क्योंकि फाइटिका का फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर अदर ब्रांड्स की बात करें जो आपको मार्केट में मिलते हैं, उनके कंपैरिजन में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। तो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें मिल्क थिसल है, डैंडेलाइन है, कुटकी है, पुनर्वा है और साथ में भूमि आंवला है। भूमि आंवला जो है वो आपके लीवर को क्लींस करता है और लीवर की ओवरऑल हेल्थ को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। साथ ही इसमें प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक से आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहती है। फाइटिका फिट लीवर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा किसी भी डाइजेस्टिव टैबलेट्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है वो इन्हीं के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो डेली खाना खाने के बाद एक या दो टैबलेट्स अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो।
और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आप ट्राई करके देखो, हेल्दी डाइट जरूर लीजिए, थोड़ा लिक्विड ज्यादा पीजिए, साथ ही फास्ट इम्प्रूवमेंट के लिए आप ले सकते हैं फाइटिका फिट लीवर सप्लीमेंट्स, जो कि आपको बहुत फास्ट रिकवरी देगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, तो ये सब चीजें जो है वो क्रूसीफरस वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं। और ये वेजिटेबल्स ग्लूटाथाइन का एक मेजर सोर्स है। एक्चुअली ये आपके लीवर के एंजाइम्स को ट्रिगर करता है, जिससे कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट होने में बहुत हेल्प मिलती है। ये वो सब्जियां हैं जिनको आप हल्का सा कोई छौंक लगाएंगे, जैसे आपने गार्लिक डाल लिया, प्याज डाल लिया, बहुत ज़्यादा ग्रेवी या टमाटो वगैरह ऐड नहीं भी करेंगे तो भी ये सब्जियां खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इनको साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली भी जो लोग डेली बेसिस पे हरी सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं, उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, प्लस उनका लीवर हमेशा हेल्दी रहता है, क्योंकि हरी सब्जियों में फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आई नो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है वो समर सीजन की वेजिटेबल्स नहीं है, इजीली मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी तो काफी कॉस्टली मिलेंगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोज हुआ है तो 15-20 दिन के लिए आप इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, ताकि आपका लीवर जो है वो जल्दी से वापस हेल्दी हो सके। चलिए बनाते हैं ग्रीन टी। लोडेड होती है EGCG के साथ, ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लीवर एंजाइम्स को बैलेंस करती है और लीवर में जो एक्सेस फैट जमा हो जाता है उसे धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करती है। ग्रीन टी पीने की हैबिट अगर आपको है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अपनी लाइफ का लंबा अरसा आप फिट एंड हेल्दी ही रहेंगे। जब आप ग्रीन टी में थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेते हैं तो वो एक सुपर टी बन जाती है। ग्रीन टी आपको अलग अलग फ्लेवर में मिल सकती है, तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो बस उसे अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। रोजमेरी, तुलसी, पोमोग्रेनेट, ये मेरे फेवरेट फ्लेवर्स हैं। ग्रीन टी पीना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ पत्तों को सुखाकर घर पर ही ग्रीन टी बना सकते हैं। कुछ चीजें आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं और मेरे लिए उनमें से एक है ग्रीन टी। दिन में 3 कप 2 कप मस्ट हैं, ये हो ही जाते हैं और इसी वजह से कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। कभी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ब्लोटिंग हो रही है, कभी ऐसा फील नहीं होता कि पेट बहुत भरा भरा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। एक तो पोषण में खाना आपके लीवर के वर्कलोड को बढ़ाता नहीं है, दूसरा जो रही सही कसर है वो आपकी ग्रीन टी पूरी कर देती है। आप आजमा के देखो, मैंने शायद बहुत बार बोला है कि जब भी आप खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आप पी सकते हो आराम से ग्रीन टी, तो लेते रहते हो, दिन में 2-3 कप आप पी लेते हो, बिल्कुल आप लाइट फील करोगे, अभी भी आपको अपनी बॉडी में हैवीनेस फील नहीं होगा। हैबिट ही बनाने की बात है और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी कॉस्टली पड़ती है या हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने सारे कप एक पर्सन जो है वो ग्रीन टी पिए, तब भी मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने घर में हमने सब ने कुछ ना कुछ लीव्स लगा रखे होते हैं, जो कि वैल्यू जो होती है वो मेडिसिन वैल्यू होती है। तो जैसे कि पुदीना है, तुलसी है, कड़ी पत्ता है, अजवाइन का पत्ता होता है, एक अपराजिता के फूल आते हैं वो हैं, बहुत सारी चीजें आपको और भी मिल जाएंगी, जैसे कि लेमन ग्रास है, कुछ गमले लगा के आप उनमें भी वो चीजें लगा सकते हैं और उनको भी बॉयल करके आप ऐसे पियेंगे तो सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, एटलीस्ट 10 दिन तक इस चीज को फॉलो करके देखिए, आप देखेंगे कि बहुत बहुत लाइट फील करेंगे। सुबह सुबह रोज लेमन वाटर पीते हुए मुझे कम से कम भी 10 साल हो गए हैं, तो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सस्ता हो नींबू या फिर महंगा हो, नींबू पानी मुझे पीना ही होता है। ये आपके लीवर को तो डिटॉक्स करता ही है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक्चुअली लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि लेमन जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है ये। तो मैं आपको सीधा सीधा यही कहूंगी कि अगर आप अपने लीवर को डैमेज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो नींबू को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। चाहे तो आप सिंपल, जैसे मैं लेमन डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट कभी हो गया, और सिंपल पानी, और या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि ग्राइंडर जार में आपने 1 से 1.5 नींबू काट के डाल देना है विद पील्स, सीड्स निकाल दीजिए, उसमें डालिए एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का और साथ में डालिए पानी, पानी डालिए आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, तो बस इसे ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा सा हनी आप इसमें ज़रूर डालिए, और हनी जिंजर के साथ जो लेमन वाटर है इसे आप मॉर्निंग में तो ले ही सकते हैं, लेकिन आप इसको रात को अगर डिनर के बाद लेंगे तो आपको अमेजिंग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इंडियन फूड में हम लोग गार्लिक जरूर ऐड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने रॉ गार्लिक खाने का एक्सपीरियंस भी किया है वो इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सुबह सुबह रॉ गार्लिक अगर आप च्यू करके खा लेते हो, मतलब अगर आप खा सको तो बहुत बढ़िया है, आपके लीवर को अमेजिंग बेनिफिट्स देता है, क्योंकि इसमें सिलेनियम होता है जो आपके लीवर को डिटॉक्स करता है,
प्लस इसमें सल्फर कंपाउंड होता है, साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो लीवर के एंजाइम को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि बॉडी में से टॉक्सिन्स जो है वो अपने आप फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो लीवर के अराउंड फैट जमा हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं, तो अपने आप वो फैट का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट उसे 15 दिन करके जरूर देखिए। रॉ गार्लिक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हार्ट डिजीज में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेमन डाल के इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब इजीली आप इसे च्यू कर पाते हो, इजीली आप इसे स्वेलो कर पाते हो। हमारा लीवर जो है वो एक ग्रीनिश येलो फ्लूड प्रोड्यूस करता है, जिसे बाइल भी कहते हैं, जो खाना डाइजेस्ट करने में और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और इस बाइल को प्रोड्यूस करने में लीवर की हेल्प करती है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में कर्क्यूमिन के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो लेप्टिन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है और लीवर को सपोर्ट करता है। तो जो लोग हल्दी वाले दूध के शौकीन हैं, रात को सोने से पहले जरूर पी लेना चाहिए। प्लस आप एक टी भी बना सकते हैं जिसमें आप टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक के साथ साथ आप इसमें जिंजर ऐड कर सकते हैं, दालचीनी ऐड कर सकते हैं और कुछ लेमन ड्रॉप्स ऐड करके आप इस टी को इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर रात को डिनर टाइम के बाद। अदरक और दालचीनी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है और साथ ही फ्री रेडिकल डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करती है। आजकल समर्स है, डिटॉक्स वाटर आप बना के रख सकते हैं गाजर और चुकंदर के साथ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा लीवर को डिटॉक्स करने में। साथ ही आप चाहें तो जूस बना सकते हैं। अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोज हुआ है तो ये जूस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि बीटरूट खून साफ करने में हेल्प करता है, प्लस ये टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करता है, जिससे लीवर को अपना फंक्शन करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह से गाजर में बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो लीवर के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा अपने डाइट में आंवला ऐड कर सकते हैं, जो कि एक सुपर फूड है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर जरूर ऐड कीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और बॉडी एफिशिएंटली फैट को प्रोसेस कर पाती है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए अगर आप रोज एक एप्पल खा सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल और पेक्टिन जैसे केमिकल्स होते हैं जो नेचुरली लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो मुझे बताइएगा जरूर, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।